और हेलो गाइस, हम आपको एक शानदार जानकारी बताने वाले हैं, एक जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज जिसका सिर्फ आपको आपने नाम ही सुना है, उस खतरनाक चीज का आपने सिर्फ नाम ही सुना है, आज हम उसको दिखाएंगे और एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, नाम भी सुना होगा, जैसे एसिड, बेस, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजें जिनका आपने नाम सुना है। किंतु आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक चीज की, और वो सबसे खतरनाक चीज है ब्रोमीन। जी हां, सही सुना आपने, ब्रोमीन की बात करने वाले हैं आज। आज जिस ब्रोमीन के ऊपर बात करने वाले हैं वो खतरनाक तो है ही सही, वो देखने में भी जबरदस्त है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जितनी अच्छी लगेगी ना देखने में, वो उतनी ज्यादा खतरनाक है, नुकसानदायक है। आज बात कर रहे हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन सबसे खतरनाक तत्व या एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, 35 होता है, जिसका सिंबल है Br, जिसका एटॉमिक मास होता है 79.90। और पीरियोडिक टेबल में अपन बात करें तो ग्रुप में 17 ग्रुप में आती है, और पीरियड में बात करें तो फोर्थ नंबर पे आती है, मतलब हेलोजन में पाई जाती है। और जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल्स हैं, मतलब अधातु हैं, और दुनिया की एकमात्र ऐसी अधातु हैं जो कमरे के ताप पर या बात करें सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो गाइस, जानकारी लेने से पहले आपको एक बात बता दो कि वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, जानकारी पूरी लेनी है। और इसी जानकारी के साथ अपने स्टार्ट करते आगे। ब्रोमीन दिखाता हूं, दिल ताम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए ब्रोमीन देखने के लिए। यह रहा अपना ब्रोमीन। बात करें ब्रोमीन की, ये अपना ब्रोमीन, इस कैप्सूल के अंदर ब्रोमीन है, दिख रही होगी लिक्विड स्टेट में, ब्राउन कलर का है, नॉन मेटल है। और गैस इसकी बात करें तो यह इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसकी एक बूंद अगर आपकी स्किन पे गिर गई ना तो काम तमाम, स्किन के टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है, स्किन को खराब कर देती है। अगर ये फूट जाए ना तो इसकी जो वेपर जाएगी ना वो अंदर सांस के साथ, रेस्पिरेशन के साथ, तो ये जो इसकी वेपर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर देती है और इंसान पल भर में गायब, मतलब खत्म, और इससे आपकी मौत हो सकती है। ब्रोमीन की आगे बात करें तो अपन, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। ब्रोमीन संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके ब्रोमाइड के साथ में पाई जाती है, मतलब सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के फॉर्म में पाई जाती है। वैसे तो ब्रोमीन सभी जीवों में पाई जाती है, वनस्पति में पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है, पर ज्यादा मात्रा में समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में सोल्ट के फॉर्म में पाई जाती है। तो ये भारत में कच्छ के रण में पाई जाती है, और भारत में पाई जाने वाली ब्रोमीन ब्राइन के फॉर्म में पाई जाती है। दोस्तों, इसके अंदर से निकलने वाली जो वेपर होती है ना, वो देखने में तो बड़ी सुंदर दिखती है। ब्रोमीन की और आगे बात करें तो ये और ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि ये सॉलिड एल्यूमिनियम धातु को ये पलवर में पिला देती है। अब एल्यूमिनियम का तो आपने नाम सुना ही, एल्यूमिनियम के दरवाजे बनते हैं, एल्यूमिनियम की खिड़कियां बनती है, तो उस एल्यूमिनियम को भी ये पिघला देता है। कितनी ताकतवर हो, कितनी ताकतवर होती है, बहुत जबरदस्त खतरनाक होती है। तो गाइस, चलो गाइस, इसकी एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करा के देखते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, क्या होता है। ब्रोमीन इंपल्स को काटने के लिए मैं पिलायर उपयोग में लूंगा,
लाइट से ब्रोमीन इंपल्स को काटूंगा। यह वेरी डेंजर एलिमेंट है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ रही है, क्योंकि यदि जरा सी सावधानी हटी तो मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रिएक्शन के लिए ब्रोमीन को टेस्ट ट्यूब या बीकर में ले सकते हैं, मैं दोनों में ले रहा हूँ, दोनों में रिएक्शन करवा के देखूंगा। अब इसमें डालता हूँ एल्यूमिनियम मेटल को और फिर देखते हैं क्या होता है। मजे आ गए, क्या रिएक्शन हुई है, आनंद आ गया। ऐसी रिएक्शन तो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। एल्यूमिनियम पूरी तरह से पिघल चुका है और बीकर टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है इसका। देखा दोस्तों कितना जबरदस्त वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूले कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, ताकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।